आजमगढ़ जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 14 लाख के चेक, 6 फर्जी आधार कार्ड, 9 पुलिस आरक्षी का प्रवेश पत्र की कॉपी समेत 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस इन सभी आरोपियों के सहयोगियों के ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास का पता कराया जा रहा है, इसी के आधार पर इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कंदरापुर थाने की टीम और स्वॉट टीम के द्वारा आज सुबह 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कि आज 2 पालियों में सुबह और शाम को आयोजित थी, इसमें इस गैंग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बेला फुसलाकर और उनको ये झांसा देकर कि ये उनको एग्ज़ाम में पास करा देंगे, उनको पेपर पहले से उपलब्ध करा देंगे या आंसर की पहले से उपलब्ध करा देंगे, इसके नाम पर उनसे पैसे ऐड कर उनसे चेक लेकर पूरा एक गैंग संचालित कर रहे थे। इन 7 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है, इनके नाम है संजय यादव, ये ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है जो थाना बरदा कुंभ मठिया का रहने वाला है।